गुड मॉर्निंग। आज के ट्रेडिंग कॉल्स, पिछले दो सेशन में हमने देखा कि गोल्ड का जो प्राइजेस है वो एक सीमित दायरे में ट्रेड करा। डोमेस्टिक मार्केट में हमने 29,200 से लेकर 29,500 का रेंज देखा, जबकि इंटरनेशनल में 1270 से लेकर 1290 का रेंज इंटैक्ट रहा है। आज फर्स्ट हाफ में हमें लगता है कि गोल्ड में गिरावट का रुख रह सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में 29,300 पे बेच के चला जा सकता है। 29,450 का स्टॉप लॉस रहेगा, 29,150 का टारगेट रहेगा। बट ये जो गिरावट है वो शॉर्ट टर्म गिरावट है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन काफी हैवी है। 29,000 के नीचे गोल्ड जाता हुआ नहीं दिखता। आज की गिरावट के बाद मार्केट में फिर से जंप आने की पूरी आशंका है। क्रूड ऑयल, कल क्रूड की इन्वेंट्री थी, हमने देखा कि क्रूड की इन्वेंट्री में ड्रॉप जरूर आया, बट गैसोलीन का जो स्टॉक है वो फर्स्ट टाइम काफी अच्छा बढ़कर आया है। ओवरऑल यूएस साइड से जो सप्लाई कंटिन्यू बढ़ रही है और इन्वेंट्री हाई है, उसकी वजह से ये गिरावट का रुख कंटिन्यू चल सकता है। आज के सेशन के लिए भी गिरावट का रुख कंटिन्यू रहेगा। 3320 का काफी अच्छा स्तर है, यहाँ पे क्रूड ऑयल मई कॉन्ट्रैक्ट बेचा जा सकता है। 3360 का स्टॉप लॉस रहेगा। 3250 तक का लेवल क्रूड में देखे जा सकते हैं। बेस मेटल कॉपर के सेशन में हमने पिछले दो सेशन में देखा कि प्राइजेस एक डाउन ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करा। डिमांड कंसर्न अभी भी यूरोप जोन से और चाइना से कंटिन्यू एक कंसर्न बना हुआ है। नो डाउट एक माइन में स्ट्राइक की भी अपडेट है। उसके बाद हमने कल के सेशन में 356 से प्राइजेस को रिकवर करते हुए भी देखे हैं, बट ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस आज भी एक डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए। 360 पे बेच के चलिए, 364 का स्टॉप लॉस रहेगा। 355 तक के लेवल कॉपर में देखे जा सकते हैं। धन्यवाद।